और कोरोना के संकट के बीच हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। पूर्व आईएएस संतोष द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है सर। और हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हैं। अतुल, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी अतुल, क्योंकि अभी जो संबोधन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है उसमें खास तौर पर ग्रामीण तबके को मोटिवेट किया गया और साथ ही साथ उन बदलावों की बात की गई, क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कोरोना के बाद कैसा काल होगा, कोरोना के बाद कैसी दुनिया होगी, और इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन में दिखाई भी दी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सोनल, की जो बात प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही है वो बड़ा अहम हो जाता है। जो साहब ने कहा कि उन्होंने तो मोटिवेट करने का काम किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल गांव ने हमारे शहरों को मोटिवेट किया है और हमारे गांव और शहरों को मिलाकर पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हमने पूरी दुनिया में एक मैसेज देने का काम किया। एक नए मंत्र का जिक्र भी किया यहां पर प्रधानमंत्री ने कि दो गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला या ये भारी भरकम शब्द इसका उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम यहाँ तो कर रहे हैं, लेकिन गाँव के लोगों ने बहुत सरल शब्दों में ये बात कही कि भाई दो गज की दूरी बनाकर रखो, दो मीटर की दूरी बनाकर रखो, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा, कुछ भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सबसे अहम चीज थी कि ना सिर्फ इस दौर में गांव की भूमिका और आगे आने वाले समय में, जिसका आपने जिक्र किया कि कोरोना काल के बाद का युग क्या होगा, दौर क्या होगा, उसको लेकर भी उन्होंने एक मैसेज दिया है और साथ में यह भी कहा कि वहां पर आज जो परिस्थितियां बनी हैं उसके बाद अगर हम उन चीजों को सहेजना शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर विकल्प गांव से ही मिल सकते हैं। और गांव के सरपंचों ने, गांव के लोगों ने इस बात को स्वीकारना शुरू कर दिया था लंबे अरसे से और उस पर वो काम भी कर रहे थे। आज कई जगहों पर उसका बदलाव दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि ना सिर्फ यहाँ पर एक मोटिवेशन की बात है, सरपंचों से संवाद की बात है आज पंचायती राज दिवस पर, बल्कि उसके साथ साथ दो अहम योजनाओं की शुरुआत भी है जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है, हरियाणा को भी शामिल किया गया है, जो स्वामित्व योजना है। इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि कुछ इस तरीके का विकल्प बनाया जाए, आज उस पर भी फोकस किया प्रधानमंत्री ने। सोनल, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो मेहमान है उनसे भी हम सवाल ले लें यहाँ पर। बिल्कुल, संतोष द्विवेदी जी पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, अभी हम संबोधन सुन रहे थे तो कर्नाटक के एक व्यक्ति से जब बातचीत की पीएम मोदी ने तो उन्होंने कहा कि वो इस पर गांव के प्रमुख से लेकर देश के प्रमुख तक से बात कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, इस वक्त आप एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका को किस तरह से देखते हैं संतोष जी? देखिए, इसमें सबसे आवश्यक बात यह हुई कि जो ऐप लॉन्च किया गया है बहुत सारे लोगों को बहुत दूर दूर तक, तो कृषि प्रधान देश है भारत, उसको जोड़ेगा और किसानों को भी एक मौका मिलेगा ये जानकारी, और इससे हमारी पंचायतें बहुत सुदृढ़ होंगी। इस बात की बहुत समय से आवश्यकता थी और आज हमारे पंचायत राज दिवस पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐप लॉन्च किया है, ये बहुत सहयोगी होगा हमारे ग्राम के प्रधान प्रधानों को, किसानों को, ब्लॉक प्रमुखों, सरपंचों को इस विकास की गति से जोड़ने के लिए, और इससे वो ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हो रहा है, कितनी योजनाएं चल रही हैं। जी संतोष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी खामी के चलते। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि अब कोरोना जो है वो लगातार अपना रूप भी बदल रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी। देखिए, म्यूटेशन हो रहा है कोरोना में, इस तरह की बातें आ रही हैं डॉक्टरों के बीच में जो ट्रीटमेंट इसको कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ, जो मैं पहले भी आपको आपके चैनल पे बता चुका हूँ कि देखिए 85% हमारे यहाँ पेशेंट बहुत ही माइल्ड सिम्टम के हैं या एसिम्टोमेटिक है, जो सीवियरिटी है वो 5% लोगों में है और मॉर्टेलिटी लगभग 2.5% लोगों में है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़, मैं एक आपको ये बात बताऊं कि देखिए, इस तरह के वायरसेस जब पूरी तरीके से पैंडेमिक होते हैं और स्प्रेड करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो हर्ड इम्यूनिटी होती है। हमारे जब समाज में या देश में जब बहुत लोगों के बीच में फैल जाता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी हमारे बीच में डेवलप होती है, जो हमारे बॉडी की रेजिस्टेंस पावर होती है इससे लड़ने के लिए। चूँकि ये एक पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड है, इसकी स्प्रेडिंग चारों तरफ हुई है, हमारे देश में भी अब अच्छा खासा केसेस इसके मिलने लगे हुए हैं, तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी हमारे देश में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस वायरस के लड़ने के खिलाफ हो जाता है।
दूसरी बात बताऊं कि लगभग एक महीने हमारा लॉकडाउन सिस्टम हो चुका है, काफी सफल रहा है। डेफिनेटली अगर हम इस लॉकडाउन को नहीं करते तो हमें केसेस ज्यादा मिलते। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉकडाउन का हमें पूरा फायदा तभी मिलेगा कि जिन जिन बस्तियों को हमने ब्लॉक किया है या हॉटस्पॉट हमने बनाए हैं, वहां पे हम पूरी तरीके से इसकी टेस्टिंग करें, लोगों के बीच में मैक्सिमम टेस्टिंग अब वहां पे करें, क्योंकि देखिए आम पब्लिक के बीच में संभव नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थेरेटिकली तो हम सबकी टेस्टिंग की जाए बट ये संभव नहीं होता, बट जो हमने हॉटस्पॉट्स बना लिए हैं जहाँ पे हमारे केसेस लगातार आ रहे हैं, उस एरिया में हम मैक्सिमम टेस्टिंग करके उस चीज़ को फाइंड आउट करें, क्योंकि ये भी एक समय सीमा होगी जब हमें इस लॉकडाउन से कम आना पड़ेगा और धीरे धीरे इसको खत्म करना पड़ेगा। और जैसे ही खत्म होगा फिर से हमारी गैदरिंग शुरू होगी, एक दूसरे में कम्युनिकेशन होगा, और जो बाकी केसेस जहां पे हमने हॉटस्पॉट नहीं बनाए या चीजें नहीं हुई है वहां से केसेस निकल के आने पड़ेंगे, और एक बार वहां से अगर आना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत ही तेज कम्युनिटी स्प्रेड करेगा जो बाकी कंट्रीज में हमको दिखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ है, दो तीन एडवांटेज हमको ये मिल रहा है। पहली चीज कि हमारे यहाँ पे सिम्टम्स कम है, हमारे यहाँ लोग जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, हमारा रिकवरी टाइम ठीक है, तो हम टेस्टिंग अब काफी करें उस एरिया में जिसको हमने चिन्हित कर रखा है, क्योंकि हम इस टाइम को वेस्ट नहीं करें अपने लॉकडाउन को, और इसमें फाइंड आउट करके, क्योंकि हम इस प्रोसेस में धीरे धीरे बाहर आना पड़ेगा, लेकिन और बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम हमारे देश में इस तरह की इकट्ठी हो जाएगी कि हमारा देश और हमारी इकोनॉमी को इस चीज की आदत नहीं है। हमारे यहाँ ये बोल की लेटेस्ट चीज है लॉकडाउन, हमने नया शब्द सीखा है इस बीमारी के लिए जो चाइना से आया है, और हम उसको वहां से कंपेयर नहीं कर सकते या बाकी देशों से कंपेयर नहीं कर सकते। इस चीज का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बीमारी से बचने की बजाय हम दूसरी बीमारी में फंसते चले जाएं। बिल्कुल मनोज जी, आप सही कह रहे हैं, ये जो आगे आने वाला समय है ये और ज्यादा संकट भरा हो सकता है। अतुल, शायद इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया आत्मनिर्भर बनने का, क्योंकि ये जो समय है ये एक फिजिकल बूस्ट के साथ साथ इमोशनल बूस्ट का समय भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इमोशनल बूस्ट का भी समय है, और जैसा खुद डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज के दौर में जो परिस्थितियां हैं, जो नई चुनौतियां आ रही हैं, उससे हम किस तरीके से अगर भारत के लिहाज से, भारत के नजरिए से देखें तो रिकवर परसेंटेज जो है वो हमारा कहीं ना कहीं बेहतर है। मैं मनोज जी से एक चीज जानना चाहूंगा। मनोज जी, यहाँ पर एक तरफ प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है और उसके साथ साथ अभी केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा डोनेट किया जाए, डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं क्योंकि जो ट्रायल किया गया है वो उसका परिणाम बेहतर है। और उसी में ऐड ऑन करूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भारत ने अपनाया और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव ने उसको और सरल कर दिया, यानी दो गज दूरी, ये कितना अहम हो जाता है और कितना उसका योगदान, आप एक डॉक्टर के नजरिए से इसको समझा सकते हैं। मनोज जी, देखिए प्लाज्मा थेरेपी हम उन केसेस में कर सकते हैं जहां पे इसकी केस की सीवियरिटी ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी का कंसेप्ट ये होता है कि हमारे खून का जो पानी होता है जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती हैं, जो पेशेंट्स होता है जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर से निकाल के, चूंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी रहती हैं, एंटीबॉडीज का मतलब प्रोटेक्शन की जो कैपेसिटी है अपने शरीर की जी, वो हम दूसरे के शरीर में देते हैं। बट समस्या ये है कि उस प्लाज्मा के थ्रू बहुत सारी बीमारियां भी एक दूसरे में जाती हैं, ठीक है। तो अभी जेनेटिक स्क्रीनिंग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज में है। डेफिनेटली यानी दो गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग वो ज्यादा बेहतर विकल्प है, इसमें आगे काम किया जा सकता है। मनोज जी, जानना ये चाह रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दो गज दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का जो जिक्र किया वो इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इंपॉर्टेंट ये है कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, बट एक इंपॉर्टेंट ये बात समझनी है कि अभी लगातार इस पे रिसर्च वर्क हो रहे हैं। ये आ रहा था कि नहीं, ये जो ड्रॉपलेट है 2 मीटर तक रहता है, फिर बात आई कि नहीं, ये जो इसके माइनर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लंबे समय तक एयर में रहते हैं। तो डेफिनेटली एक दूरी, कुल मिला के 2 मीटर हो 3 मीटर हो, एक डिस्टेंस हमको बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आम पब्लिक को समझना कि अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम खाने से पहले, खाने के बाद तो हम हाथ धुलते थे, खाने के पहले भी आपको हाथ धुलना है और अपने चेहरे पे बार बार हाथ नहीं ले जाना है। तो जितना हम अपना फेस और हैंड हाइजीनिक को मेंटेन करेंगे हम इस चीज से बच सकते हैं। बिल्कुल, और मनोज जी इसी बात का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया कि गांव गांव में ये चीजें कितने आराम से लोगों ने पहले से संस्कार के तौर पर अपनाई हुई हैं, और आज के दौर में उसको फिर से, जो कुछ कमियां रह गई थी या जिससे हम दूर जा रहे थे, उसको फिर से हमने अपनाया है। मनोज जी, मैं संतोष जी का एक बार रुख करना चाहूंगा। संतोष जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
अतुल हम हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो संतोष जी, सवाल ये है कि जो एक तरफ हमें इस चुनौती से निपटना है उसके साथ साथ व्यवस्था भी बनाए रखनी है। आप चूंकि प्रशासनिक सेवा से जुड़े रहे, अलग अलग महकमों को आपने बड़ी बारीकी से देखा है और तमाम चीजों को आपने धरातल पर उतारा। आज के दौर में राजनीतिक तौर पर इसकी मांग भी चल रही थी। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जब सरपंचों से संवाद किया, उस बीच में दो योजनाओं का भी जिक्र है, शुभारंभ उसका भी हो गया। संपत्ति योजना की अगर बात हम करें तो ये कितनी आवश्यक थी और बड़े लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी, खासतौर से ग्रामीण अंचल में जो खेती से अलग जमीन, जो आवासीय संपत्ति है, उसकी मैपिंग, उसका सही मेजरमेंट कई विवादों के वो कारण बनते थे और उसमें कई और चीजें एड ऑन की गई कि आप उससे ऋण भी ले सकते हैं, कर वसूली में भी सही रहेगा, उसका भी पूरा डेटा रहेगा, ये कितना आवश्यक था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चीज कही थी बहुत पहले लंबे समय से इंतजार था और सभी लोग ये देख रहे थे कि जो गांव में इस समय सबसे बड़ी समस्या थी वो संपत्ति को लेकर झगड़े लड़ाई तमाम तरह के दुनिया भर के प्रॉब्लम्स मुकदमेबाजी और बहुत लोग बर्बाद हो जाते थे जी। इस ऐप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देने का प्रयास किया है ये बहुत प्रतीक्षित था और इसका जितना भी स्वागत किया जाए कम है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के बाद से सबसे ज्यादा जो झगड़े गांव में हुए वो गांव में संपत्तियों को लेकर के हुए और हर व्यक्ति इस बात से चिंतित था कि इसका समाधान कैसे होगा, मुकदमेबाजी इसका समाधान नहीं है। और अब इस ऐप के माध्यम से हर व्यक्ति को ये जानकारी होगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हर व्यक्ति को क्या संपत्ति उसकी होल्डिंग्स हैं और क्या उसका उपयोग वो कर रहा है ये उसके पास रहेंगी और इस प्रकार से वो इसका सही तरीके से अपनी संपत्ति का सदुपयोग भी कर सकेगा और झगड़े लड़ाई की कमी होगी, इस प्रकार उसका विकास हो सकेगा जी। ठीक है संतोष जी, मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगी। डॉक्टर मनोज मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, कई तरह के बातें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रिसर्च हो रहे हैं इस पर, लेकिन कई हम देख रहे हैं कि र्यूमर्स भी फैल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर स्टडी ऑथेंटिक नहीं है बट बावजूद इसके लोग विश्वास कर दे रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि चमगादड़ मिलने से लोगों में आतंक देखा गया। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर कितना भरोसा इस वक्त पर करें, ये जानना चाहती हूँ आपसे। नहीं, देखिए अभी ये भी बात ये प्रूव नहीं हुई है कि जो कोरोना वायरस हमारा आया हुआ वो चमगादड़ के कारण ही आया हुआ है। जो वहाँ से फिश मार्केट से आया उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी वो बहुत चीजें क्लियर नहीं है। दूसरी चीज, जानवरों में वायरसेस होते हैं जो एनिमल टू एनिमल ही स्प्रेड करते हैं, तो चमगादड़ में भी वायरस है, आपके बंदर में भी वायरस है, कैमल में भी वायरस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बीच में आएगा, बहुत रेयर होता है। और मैं ये कहता हूँ कि ये आप कह नहीं सकते 100 साल 200 साल 500 साल ये कब ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि एनिमल का एक वायरस म्यूटेट करके ह्यूमन के बीच में आ जाए, तो ये बहुत ही रेयर चीजें हैं। चमगादड़ से डरने की नहीं है कि चमगादड़ से वायरस आपके अंदर आएगा, इस तरह की भ्रांति ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया पे तमाम इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। आप मोटा मोटा ये समझिए कि फिलहाल ये ह्यूमन वायरस है जो आपके शरीर में आ चुका है, म्यूटेट कर रहा है, अपने रूप को बदलता है और परिस्थितियों और काल के हिसाब से ये म्यूटेट होता है और रूप बदलता है। बिल्कुल, इसलिए बाकी वह में फंसने की जरूरत नहीं है। अपनी जो वायरस के लिए जो हाइजीनी है वो इम्पोर्टेंट है, इन बातों में ना फंसे कि ये कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है चमगादड़ से। यही तमाम चीजें जो लोगों में एक अलग तरह का डर पैदा कर रही है। डॉक्टर साहब, संतोष द्विवेदी जी आपके पास मैं आऊंगी, यूपी की स्थिति को कैसे देखते हैं सर, क्योंकि कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में संकट पैदा कर चुका है, देश के भी हालात ठीक नहीं है, हालांकि हम बहुत देशों से बहुत ठीक स्थिति में हैं, लेकिन अगर यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मैं आपसे सवाल लूं सर कि यूपी की स्थिति को आप कोरोना के चलते किस तरह से देख रहे हैं, इसमें इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी है, हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं और अब लोगों का सपोर्ट भी। देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखें तो ये दुनिया के बहुत सारे देशों से बड़ा है और यहाँ पर जिस प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार के लॉकडाउन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया है वो बहुत हद तक प्रशंसनीय है और काफी चीजें नियंत्रण में है। इस समय ये हो रहा है कि जहाँ भी आवश्यकता पड़ रही है
पीडीएस का जब तक देख लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, गांव-गांव राशन पहुंचाया जा रहा है, घर घर लोगों की मदद की जा रही है। टोटल लॉकडाउन के जो इलाके हैं, जो रेड जोन जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर डोर टू डोर डिलीवरी की जा रही है, चाहे आवश्यक वस्तुएं हो, दूध है, इन चीजों की। और अब चेकिंग भी बहुत जोरों पे शुरू हुई है, जो पहले थोड़ा स्लो चल रहा था। और इस प्रकार अवश्य कुछ केसेस हमारे बढ़े हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में है। और आपको प्रसन्नता होगी ये जान करके कि हमारे 12 से अधिक जनपद कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जो सरकार का डिक्लेरेशन हो चुका है, चाहे उसमें प्रयागराज हो, चाहे उसमें प्रतापगढ़ हो, इस प्रकार के तमाम जनपद हैं जिनको कोरोना मुक्त डिक्लेयर किया जा चुका है। और ये लोगों के सहयोग से, लोगों की जागरूकता से, लोगों की समझ से बहुत तेजी से चल रहा है, और लोग इसको स्वतः इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्वतः मान रहे हैं। अब बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने की जरूरत भी है, क्योंकि समय भी सेंसिटिव है, लोगों को भी समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष द्विवेदी जी आपका, मनोज मिश्रा जी आपका बेहद शुक्रिया, न्यूज रूम से अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, अतुल आपका भी बेहद शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं तमाम जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें हालांकि कई जगहों से हम बेहतर स्थिति में हैं, और राज्य की भी स्थिति देखें तो अभी पूर्व आईएएस संतोष द्विवेदी जिस तरह से कह रहे थे कि हम बेहतर पोजीशन में हैं, लेकिन उसके लिए आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। आगे आने वाला जो समय है वो कई तरीके से अहम हो जाता है, तो आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, घरों में रहना है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे और भारत जीत पाएगा। नमस्कार।